गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड वी विल डिस्कस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. व्हाट इज इट? इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड एडजस्टमेंट. द रेडार एंड हाउस टेलीस्कोप फॉर द इमेज एंड इट्स मैग्निफाइंग पावर. So first, what is refracting telescope? It is a device, optical device used to see far object. ये क्या करता है? Far object का image close बना देता है and that object make a large visible angle at our eye, so seems large. बड़ा दिखाई देता है. Principle on what principle? Reflection. ये जो image बनाता है object की reflection से बनाता है, lenses are used. कंस्ट्रक्शन एंड एडजस्टमेंट. इसमें टू ट्यूब्स होती हैं विच कैन मूव इन वन अनदर, एक दूसरे मूव कर सकती हैं. उनके आउटर साइड पे बाहर की तरफ लाइक दिस ऐसे मूव कर सकती हैं. इस तरफ लेंस होता है, इस तरफ एक लेंस होता है. आई की तरफ जिस लेंस को हम रखते हैं उसे बोलते हैं आई लेंस. ऑब्जेक्ट साइड वाला ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जर्वर लेंस. नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज means how it forms the image. Ray diagram is shown. This is suppose infinite but far object, very far object है कोई. इसे light ray चलती है and objective lens refract करके image बनाता है A1 B1. It is always at the focus of objective lens, F focus बने. And is inside the first focus of eye lens. Eye lens के first focus के inside होती है and act कैसे work करती है? Virtual object की तरह से के work करती है. ऑब्जेक्ट टू रे चल रही है ऑब्जेक्ट से. वन फ्रॉम थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस, सेकेंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल गो थ्रू फोकस. बोथ आर डाइवर्जिंग, विल नेवर मीट. तो हम इनको बिहाइंड पीछे की तरफ क्या करते हैं? रेज करते हैं. जैसे हम पीछे की तरफ इनको करते हैं देयर सीम्स टू मीट एट B2. सो A2 B2 इज द फाइनल इमेज. इस तरह से ये फार ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज मीन्स हमें सीन्स होता है हमारी आई के क्लोज बना देता है. इसका ये इमेज हमारी आई के क्लोज है, इसका हमें दिखता है फाइनल इमेज. नाउ व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? जो जनरल फॉर्मूला होता है इसकी मैग्नीफाइंग पावर एन इक्वल माइनस एफ अपॉन यू वी. अब इसमें दो केसेस हैं. व्हेन फाइनल इमेज इज फॉलोइंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मींस 25 सेंटीमीटर. सो एट इन दिस सिचुएशन n will be equal minus f4 upon f3, 1 plus f3 upon b is 25 and length will be f4 plus b. If final image means a2 b2 final image is forming at infinity means for relaxed eye. When we see far object I is in relaxed position. So relaxed eye ke liye means final image at infinity karo n equals hoga minus f4 upon f3 and length will be means distance or separation of lens. Separation of lens, distance between lens will be f4 plus f3. To make a good telescope, magnifying power should be more large. So f4 should be large. That is why large aperture, large size, large focal length is taken. Thank you.